हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी ऑन द ब्लॉग। आज होली भी है, आज मेरी एनिवर्सरी है। आज 10 मार्च, और 10 मार्च को होती है मेरी एनिवर्सरी। और कल हम लोग तिरुपति भगवान का दर्शन किए थे और फिर बहुत थक गए थे। तो अभी दोपहर हो रही है और थोड़ी थकावट ख़त्म हुई, उसके बाद हम लोग आए हैं तिरुपति फिर से। और यहाँ पर अगर आप तिरुपति आते हैं तो कुछ और भी साइट्स हैं, मतलब कि देखने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे तिरुपति भगवान के चरण हैं, चरण पादुकों, और कुछ मतलब कि झील हैं, और एक दो टेंपल हैं, 6 साइट्स हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और घूमना कैसे है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तिरुपति मंदिर जाने से पहले बाहर में ही आपको गाड़ी मिलेगी, मतलब कि कैब मिलेगा आपको। आप कैब बुक करके जा सकते हैं, कैब वाले 1000 रुपये में घुमाएंगे, आप कम ज़्यादा कम करवा सकते हैं, वो लोग कम कर देते हैं। नहीं तो फिर आप जैसे कि जो सुमो होता है उसमें शेयरिंग वाले गाड़ी भी मिलती है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो 150 में आपको दर्शन करवाएंगे, वो घुमाएंगे। और क्या है बाकी बताने के लिए। और यहाँ तिरुपति में बहुत अच्छा मार्केट भी है, आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए बहुत सी अच्छे अच्छे साउथ इंडियन टाइप बर्तन, जो पूजा के बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मैं आप लोगों को मार्केट का जो ब्लॉग शेयर करूंगी, या फिर शेयर मैंने किया ही होगा, तो आप उसमें देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे। आप यहाँ आए तो यहाँ से शॉपिंग जरूर करें, यहाँ से चंदन ज़रूर खरीदें, यहाँ का चंदन भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तिरुपति भगवान की फ़ोटो तो ज़रूर लेकर जाएं अपने घर पे। और यहाँ एक लाइट वाला तिरुपति भगवान का एक फ़ोटो आता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, स्टोन का, और उसमें गाना भी बजता है तिरुपति भगवान का, गोविंदा गोविंदा वाला, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ आकर साउथ इंडियन मील्स तो ज़रूर खाएं, आंध्रा स्पेशल थाली जो होता है वो भी खाएं, इडली डोसा सांभर तो हर जगह मिल जाती है नॉर्मली आपको, लेकिन आंध्रा थाली जो स्पेशल होती है, जो कि साउथ इंडियन टेस्ट का, वो आपको साउथ इंडिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, थोड़ी देर में हमारे ड्राइवर आएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोगों को लेकर जाएंगे। अभी बस कुछ लोग ही बैठे हैं, तो फिर सब आएंगे, उसके बाद लेकर जाएंगे। Thank you.
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर तिरुपति भगवान के चरण हैं। और कहा जाता है कि तिरुपति भगवान सबसे पहले वहीं पर आए थे, इसलिए वहां पे उनकी चरण है और चरण के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी चढ़ के हमें जाना होता है। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भीड़ भी उतनी नहीं होती है, कम भीड़ होती है। जब जब मैं यहाँ आई हूँ भीड़ तो कम ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चरण ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर खासियत यही है कि यहाँ पे चंदन के पेड़, सैंडल का जो ट्री होता है, सैंडल वुड जिसे हम, चंदन की जो लकड़ी होती है जिसे हम पूजा में उपयोग करते हैं, और चंदन हम अपने सर पे भी लगाते हैं, पूजा पाठ में बहुत ही उपयोग किया जाता है, उस चीज़ का चंदन का पेड़ तिरुपति में बहुत सारे मतलब के हैं। और आप लोग जब भी तिरुपति आएँ तो यहाँ से चंदन की लकड़ी लेकर जा सकते हैं, चंदन लेकर जा सकते हैं। जो रोड पर मार्केट है वहाँ पे तो मिलते ही हैं, बट वो असली नहीं होता। अगर आप लोगों को असली चाहिए तो तिरुपति कॉम्प्लेक्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ असली मिलेगा। तो फिर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग भी तिरुपति भगवान के चरणों के दर्शन कर आशीर्वाद लेना। और ये यहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है तिरुपति भगवान के चरण के, वही चीज़ फ़ोटो में जो है, जो वहाँ जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं वो बॉक्स में बने हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना गोविंदा गोविंदा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुंचे ना बंदा ओपन ना बंदी Yeah.
मार भरो जय बजरंग बली ए ना पहला का इने मेट के 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 ये कौन सा जानवर है भैया? इसका क्या नाम है? गिलहरी। गिलहरी वो जंगल का गिलहरी। अभी हम लोग ने तिरुपति भगवान के चरण पादुका का दर्शन किया है और सबसे पहले तिरुपति भगवान वहीं पैर थे, इसलिए उनके चरण पादुका जो चरण हैं वो वहाँ पे विराजमान है। फिर अब हम लोग सेकंड जो भी दूसरी जगह है वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। तो फिर ब्लॉग में आप लोग बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना।